हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है प्रॉफिट लॉस प्रॉब्लम्स। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और काइंडली वीडियोस पे जो है वो कमेंट शेयर और क्या करें, लाइक करें। वेरी गुड। अच्छा, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट लॉस प्रॉब्लम्स। देखिए, सबसे पहले ये है कि ये परसेंटेज के ही प्रॉब्लम्स आते हैं। एज हमारे प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमें परसेंटेज, हाउ टू फाइंड आउट द परसेंटेज के प्रॉब्लम हमने किए थे। तो इस बार पर्टिकुलर जो हम प्रॉब्लम करेंगे वो प्रॉफिट लॉस के प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी है वो हमें क्लियर होना चाहिए। देखिए, फॉर एग्जाम्पल देखें, प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट इज समथिंग दैट यू अर्न, उसे हम कहते हैं प्रॉफिट। इसमें टर्मिनोलॉजी ये यूज होती है, एक प्रॉफिट, दूसरा सेलिंग प्राइस, तीसरा कॉस्ट प्राइस, लॉस। दीज आर द टर्मिनोलॉजी यूज इन प्रॉफिट लॉस प्रॉब्लम्स। देखें, कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं, जिस प्राइस में, जिस रेट में कोई चीज़ खरीदी जाए, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, ठीक है। जबकि सेलिंग प्राइस ये चीज़ है कि जिस प्राइस में कोई चीज़ हम सेल करें, दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब देखें कैसे पता चले कि हमें प्रॉफिट हुआ है या नुकसान हुआ है, ठीक है। तो क्या है, सेलिंग प्राइस में माइनस करें कॉस्ट प्राइस, आपको मिल जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको लॉस मालूम करना है तो सिंपल कॉस्ट प्राइस में माइनस करें सेलिंग प्राइस, तो व्हाट यू विल गेट द लॉस, ठीक है। ये तो हो गया प्रॉफिट लॉस का। अगर हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है परसेंटेज में, ठीक है, तो वो किस तरह होगा। देखें, ये जैसे कि ये फार्मूला है हमारे पास। अभी आपने एक कोई चीज़ खरीदी है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ की, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि आप क्या चाह रहे हैं कि ये इसमें मुझे 20% प्रॉफिट हो। क्या कितना प्रॉफिट प्रॉफिट हो, 20% हो। अच्छा, या फिर आप कहना चाह रहे हो कि नहीं, इसमें मुझे 10 रुपये रखने हैं, 10 रुपये पैसे जो है, 10 रुपये जो है हमें प्रॉफिट हो। तो मतलब कि प्रॉफिट आप कितना रखना चाह रहे हो उस पर, 10 रुपये, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस आपके पास सीपी क्या है, 100 रुपीज़ है। तो सिंपल प्रॉफिट में यहाँ पर आएगा आपका 10, कॉस्ट प्राइस में आपका आएगा 100, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यू विल गेट द प्रॉफिट, ठीक है। सिमिलरली अगर लॉस का परसेंटेज हमें निकालना हो तो किस तरह होगा। देखिए, आपको नुकसान कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपको लॉस हुआ है 10 रुपये का, आपको लॉस हुआ है 10 रुपये का, ठीक है, और आपकी कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज़, तो ये इस तरह होगा, ठीक है। आपका लॉस यहाँ पर आएगा 10 अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, तो इस तरह आप लॉस इन परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं सेलिंग प्राइस में। अब क्या आते हैं सेलिंग प्राइस में, ठीक है। अगर देखिए, पहले हमें सेलिंग प्राइस जो है या कॉस्ट प्राइस मालूम थी, ठीक है। इसमें क्या है, आपने सेलिंग प्राइस जो है, आप कहते हैं कि मैंने एक चीज़ खरीदी हुई है 200 रुपये की और मुझे इस पे प्रॉफिट हो 10%। कितना प्रॉफिट हो, 10%। तो आप सिंपली ये फार्मूला 100 + 10% डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। हम एग्जाम्पल भी नीचे करेंगे तो आपको ये फार्मूला क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखें, अब हमारे पास दूसरा प्रॉब्लम है, दूसरा फार्मूला है कॉस्ट प्राइस का। के देखें, यू आर कम टू नो कि सेलिंग प्राइस कितनी है। यार, मैंने 120 रुपये की ये चीज़ बेची है और मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ है, बट आई डोंट नो कि मैंने कितने की खरीदी है। लोग पता है क्या करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ आपने सेल की है 120 रुपये में और आपको मिले हैं 10% आपका प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। ये आपका क्या है, सेलिंग प्राइस है। क्या है, सेलिंग प्राइस। मैंने बहुत बार जो है क्लासेस में और मेरे स्टूडेंट्स से नोट किया हुआ, वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली क्या करते हैं, 120 का 10% निकालते हैं, तो वो कितना होगा, 12, जो बिल्कुल ही गलत है। तो ठीक है, तो काइंडली आप इस फार्मूला को जो है वो याद रख लें। तो ये फार्मूला लगेगा, देखें आपने एक चीज़ बेची है 120 रुपये की, ठीक है, और आपको प्रॉफिट हुआ है 10%, तो आप यहाँ 10 ऐड कर देंगे, मतलब क्या करेंगे, 100 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय द सेलिंग प्राइस, ये आपके पास आ जाएगी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें मालूम करना है सेलिंग प्राइस, देखें हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस हमें मालूम करना है किस तरह होगा। आपके पास कॉस्ट प्राइस आपको पता है, आपको पता है आपको नुकसान कितना हुआ है,
कि देखें, आपने एक चीज़ जो है वो 120 रुपये की जो है वो आपने खरीदी और उसमें आपको 10% का नुकसान हुआ है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, मतलब कितनी प्राइस में आपने वो चीज़ बेची है, तो उसका फार्मूला क्या है? आप 100 में माइनस करें ये 10%, 100 में 10 माइनस हो जाएंगे 90, 90 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय द कॉस्ट प्राइस जो है 120, तो इस हिसाब से आपके पास आ जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, सिमिलरली सिमिलरली यहाँ पास हमारे पास दूसरा एक फार्मूला है कॉस्ट प्राइस मालूम करने का। देखें ये है 100, अगर आपको कॉस्ट प्राइस मालूम करना है तो क्या है, आपको सेलिंग प्राइस मालूम है, आपको क्या है सेलिंग प्राइस मालूम है, तो आप कॉस्ट प्राइस कैसे होंगे? फॉर एग्जांपल, आपने एक चीज़ बेची 100 रुपये की, ठीक है, और उसमें आपको नुकसान हुआ 10% का, तो आपको मालूम क्या करना है कॉस्ट प्राइस, तो आपको मालूम क्या करना है कॉस्ट प्राइस, तो किस तरह कॉस्ट प्राइस मालूम होगा, आप क्या करें 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज, वो कितना हुआ 10, 100 में 10 माइनस करें 90, 100 अपॉन 90 मल्टीप्लाई बाय द सेलिंग प्राइस, यू विल कम टू नो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस या हाउ मच द कॉस्ट प्राइस इज। ठीक है, और ये फाइनली मैंने यहाँ पर डिस्काउंट का फार्मूला भी लिख लिया है कि हाउ वी कम टू नो कि डिस्काउंट कितना है। तो देखें, जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर जितनी मार्क्ड प्राइस है, जितनी मार्क्ड प्राइस है जो डब्बे के ऊपर लिखी होती है, उसमें से माइनस करेंगे कितने की बेची है, सेलिंग प्राइस क्या है, कितने की हमने बेची है, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट, वो उतना हमारा डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स डू सम प्रॉब्लम, फिर प्रॉब्लम करने के बाद आपका चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखिए हमारे पास एक प्रॉब्लम है, अल्फ्रेड बाइज एन ओल्ड स्कूटर फॉर 4,700 रुपीज़। ठीक है, अल्फ्रेड ने जो है एक स्कूटर खरीदी है जो 4,700 में खरीदी, मीन्स व्हाट इज दिस, दिस इज द कॉस्ट पी सी पी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एंड स्पेंड्स RS 80 रुपीज़ ऑन इट्स रिपेयर्स, मतलब कि सी पी क्या हो जाएगी, एक तो ये 4,700 रुपये ये भी हो जाएगा क्योंकि इसने वो इन्वेस्ट किया हुआ है और 800 रुपये उस पर खर्च किया है, तो उसको टोटल कितने की पड़ी, देखें ये रहा। ठीक है, पहले प्रॉब्लम पूरा पढ़ लेते हैं। इफ़ ही सेल्स स्कूटर फॉर 5,800 रुपीज़, अगर वो स्कूटर अपना बेचता है 5,800 रुपये में, देन कैलकुलेट हिज प्रॉफिट, तो उसको प्रॉफिट कितना होगा। देखें सबसे पहले कॉस्ट प्राइस हम मालूम करेंगे, कॉस्ट प्राइस का यह है कि देखिए वो चीज़ आपको घर में कितने की पड़ी है। ठीक है, आपने 4,700 का स्कूटर लिया, उसके अलावा आपने 800 रुपये उसके रिपेयर पे खर्च किए, तो 4,700 प्लस 800 रुपये, अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कोई होती तो वो भी हम इसमें ऐड कर देते, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4,700 प्लस 800, ये हो गए 5,500, दिस इज द कॉस्ट प्राइस, और हमारे पास सेलिंग प्राइस कितनी है 5,800, दिस इज अवर सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था, देखिए हमें क्या मालूम करना है, हमें प्रॉफिट मालूम करना है, तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितनी है 5,800, उसमें आप माइनस कर दें सीपी जितना भी है 5,500, तो व्हाट यू विल गेट 300 रुपीज़ इज द प्रॉफिट दैट अल्फ्रेड गॉट। ठीक है, अगर इसी को ही हम परसेंटेज में मालूम करें तो किस तरह होगा, देखें मैंने आपको परसेंटेज का भी फार्मूला बताया था, जो देखिए वो प्रॉफिट और लॉस दोनों में काउंट होता है, जो आपको याद होगा गिवन वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, या फिर या देखिए यहाँ पर हम प्रॉफिट और लॉस की प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो किस तरह होगा, प्रॉफिट अपॉन द सी पी जो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी मल्टीप्लाई बाय 100, तो 300 डिवाइड बाय 5,500 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास आंसर हो जाएगा 5.45, सो दिस इज द प्रॉफिट इन परसेंटेज अल्फ्रेड गॉट ऑन स्कूटर। ठीक है, एक प्रॉब्लम दूसरा आप देख लेते हैं इसका, लेट्स सी, देखें दिस इज द सेकंड प्रॉब्लम, अलेक्स बॉट एन एसी फॉर 12,000 रुपीज़, अलेक्स ने एसी खरीदी हुई है 12,000 रुपये की, एंड पेड RS 40 रुपीज़ फॉर ट्रांसपोर्टेशन, इसने कोई रिक्शा वगैरह कराया है तो उसको 40 रुपीज़ वो उसका खर्चा आ गया है ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, देन ही सोल्ड इट फॉर 11,000 रुपीज़, फाइंड हिज लॉस। अब देखें पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी पी मालूम करेंगे, कॉस्ट प्राइस मालूम करेंगे, तो अलेक्स को ए सी उसके घर में कितने का पड़ा है। ठीक है, तो देखें एक तो ए सी की जो उसने खरीदा कितने में 12,000 का, सबसे पहले एक्चुअल सीपी आ जाएगा जो 12,000 है, उसके अलावा 40 रुपये उसने रिक्शा के करवाए जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है उसकी। ठीक है, तो 40 रुपये वो हो गए, तो
इसके पास जो कॉस्ट पीसी मतलब सीपी जो है वो कितनी आ गई, 12,000 प्लस 400 व्हिच इज इक्वल टू 12,400। तो दिस इज द सीपी, 12,400 में अलेक्स को एसी उसके घर पड़ा, ठीक है। अब अलेक्स ने वही एसी बेच दिया 11,000 रुपये में, शायद पैसों की ज़रूरत हो, महंगाई भी थोड़ी ज़्यादा हो गई है। अच्छा अब देखें उसको लॉस कितना हुआ है, तो लॉस का क्या फार्मूला मैंने आपको बताया था, देखें सेलिंग प्राइस, दिस इज द सेलिंग प्राइस, इज इट द सेलिंग प्राइस, नो दिस इज द सीपी, वो मेरा प्रॉफिट का फार्मूला होता है। सो दिस इज द फार्मूला फॉर द लॉस, उसमें क्या होता है हम सीपी में एसपी माइनस कर देते हैं। सीपी कितना है हमारा, सीपी हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 12,400, माइनस कर देंगे उसमें हमारा सेलिंग प्राइस 11,000, 1,400 का उसको नुकसान हुआ है अलेक्स को, ठीक है। अगर इसी 1,400 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, वो किस तरह करेंगे, तो परसेंटेज फार्मूला रिमेन सेम लेकिन उसकी स्ट्रक्चर चेंज होती है। देखें लॉस परसेंटेज कितना होगा, लॉस डिवाइड बाय द सीपी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, तो व्हाट यू विल गेट 11.92%। तो उसको नुकसान हुआ है 11.92% का अलेक्स को। ये दोनों प्रॉब्लम हमने सिंपल किए हैं, लेकिन एक तीसरा प्रॉब्लम थोड़ा सा टिपिकल करते हैं जो मोस्टली पूछा जाता है लेकिन लोग बिल्कुल ही गलत कर देते हैं। मैंने जो है वो बहुत स्टूडेंट से पूछा है जिन्होंने बीएसपी किया हुआ है मैथमेटिक्स में, लेकिन उनको नहीं आता, भूल जाते हैं ये बचपन की चीज़ें, लेकिन दे हैव टू रिमाइंड दिस ऑल थिंग्स। इसी की वजह से मैंने ये जो है स्पेशली ये प्रॉब्लम रखा हुआ है यहाँ पर। सो लेट्स स्टार्ट दिस प्रॉब्लम एज वेल। इसमें क्या हो रहा है देखें, फर्स्ट वी रीड द क्वेश्चन, लेट दिस इज द नंबरिंग, सो लीव द नंबरिंग, ओके दिस इज ऑल द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 178 डॉलर, एक आर्टिकल है जो सोल्ड हुआ है फॉर 178 डॉलर का, इट अ लॉस ऑफ 11%। मतलब कि एसपी जो है हमारे पास सेलिंग प्राइस है वो कितनी है 178 डॉलर, लेकिन उसने जो एसपी है उसमें उसने नुकसान खाया है कितना 11%, तो लॉस हमारे पास कितना है 11%। व्हाट शुड बी इट्स सेलिंग प्राइस, इसकी सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए इन ऑर्डर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 11% 11%, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल प्रॉब्लम है, अगर इस वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, आई होप सही जवाब आए, लेकिन मोस्टली गलत ही करेंगे लोग। सो लेट्स डू इट, देखें यहां पर दिस 178, व्हाट इज दिस, दिस इज द एसपी सेलिंग प्राइस जो कितनी है 178 डॉलर, ठीक है। अच्छा और उसने लॉस उसने खाया है कितना 11%, ठीक। इस प्रॉब्लम को करने के लिए दो तरीके हैं, मैं ये थोड़ा लेंदी है, मैं आपको शॉर्टकट भी इसका बताऊंगा वो किस तरह होता है। देखें पहले हम जो इसका जो प्रोटोकॉल है, जो इसको प्रोसीजर को फॉलो करना है, वो दिस वन, वो ये क्या है कि सेलिंग प्राइस है 178 डॉलर, लॉस हुआ इन परसेंटेज 11%। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीपी निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। मैंने आपको कॉस्ट प्राइस का फार्मूला बताया था, 100 अपॉन 100 माइनस लॉस इन परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय द सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये आपके पास सीपी निकल गया आपके पास 200, 200 डॉलर का इसको घर में पड़ा था, ठीक है, जो आर्टिकल उसने बेचा है 200 डॉलर का, ठीक है। और इसने सेल कितने का किया, 178 का, इसको नुकसान हुआ कितना 11% का। दिस इज द सीपी दैट वी हैव कैलकुलेटेड। अब हम क्या करना है, हमें हमें अभी इस सीपी को, ये जो कॉस्ट प्राइस है, इसको चेंज करके सेलिंग प्राइस वो रखनी है जिसमें हमें क्या हो 11% प्रॉफिट हो, क्या हो 11% प्रॉफिट हो। तो उसका क्या तरीका कार होता है, देखें मैंने आपको एसपी का फार्मूला बताया था। अच्छा इसको दो तरीके हैं करने का, देखें आप ये भी कर सकते हैं कि पहले आप सीपी का 11% निकाल दें कि 200 का 11% कितना होता है। देखें 200 का 11% आप डायरेक्टली यहाँ से कर दे, देखें ये होता है हमारा 10%, 20 और 2, 22 डॉलर हो गया हमारा क्या 11%। इस तरह कर सकते हैं, ये आप ऐड कर सकते हैं किसमें, सीपी में, तो आपके पास सेलिंग प्राइस आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको एक्चुअल करने का तरीका क्या है वो यहाँ आप देख लें। 100 दिस इज द सेलिंग प्राइस, अब सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, मैंने आपको फार्मूला बताया था, 100 प्लस प्रॉफिट इन परसेंटेज डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय द सीपी कॉस्ट प्राइस। तो 100 प्लस 11, ठीक है,
और ये 111, 111 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2, आपके पास आंसर आ गया 222। ठीक है, तो आर्टिकल जो है वो उसको बेचना चाहिए कितने में, आर्टिकल उसको बेचना चाहिए $222 का। सो दिस इज द सेलिंग प्राइस, इस प्राइस में उसको 11% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, मैं आपको शॉर्टकट भी बता देता हूँ, इसको शॉर्टकट में किस तरह कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। देखें, ये आपने शायद कहीं पढ़ा हो, लेकिन दिस इज अ सीक्रेट फार्मूला फॉर इट, कुछ ही लोगों को ये चीज़ का पता है। देखें, इफ आर्टिकल सोल्ड फॉर $178, यहाँ पर देखें उसको नुकसान हुआ है 11% का। देखें, हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस, पहले ये है कि सेलिंग प्राइस देख लें, सेलिंग प्राइस कितनी है। यहाँ पर आप देखें 178, एक तो उसको परसेंटेज उसका प्रॉफिट हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 11। अच्छा, जब भी नुकसान होता है तो हम 100 देखें तो एसपी निकालते हैं, परसेंटेज कितना होगा, 100 माइनस 11%। ठीक है, तो एसपी हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है, 89%। ये क्या है हमारी सेलिंग प्राइस, ये क्या है हमारी सेलिंग प्राइस। देखिए ये क्या है, ये है कॉस्ट प्राइस जो 100% होती है। ठीक है, दिस इज द लॉस, अगर प्रॉफिट होता तो हम प्लस कर देते, ठीक है, लेकिन इसको लॉस हुआ है तो हमने माइनस किया है 11% से। सो एसपी जो है वो कितनी है, 89%। तो 89%, अब हम क्या कर रहे हैं, हम सीपी मालूम कर रहे हैं, 89% इज इक्वल टू $178। तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा, 178 डिवाइड बाय 89। अगर इस तरीके से आप प्रॉब्लम करेंगे तो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, सो ये जो वैल्यू है ये 1% की आ जाएगी आपके पास। यूजिंग कैलकुलेटर 178 डिवाइड बाय 89, द आंसर इज 2, द आंसर इज 2, ये आपके पास आ गया 1%। लेकिन आपको पर्सनली पता है कि सीपी कितना होता है, 100% होता है। तो हम क्या करेंगे, अब सीपी मालूम करेंगे, तो सीपी इज इक्वल टू 100%। तो 100 को मल्टीप्लाई कर दें 1% से, तो 100 हमारे पास है 100, 1% बराबर है 2 के, तो सीपी हमारे पास क्या आ गया, 200। दिस इज द सीपी, कोई फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्टली सीपी निकाल सकते हैं। सो दिस इज द सीपी। अगर आपको अब इसमें प्रॉफिट रख के, एक तो आंसर ये आ गया, सीपी आपके पास आ गया। ठीक है, और इसके अंदर, इसके अंदर अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है जिसमें आपको प्रॉफिट हो, कितना प्रॉफिट हो, 11% प्रॉफिट हो, तो आप क्या करें, इसको सिंपली डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 1.11 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। दिस इज द शॉर्टकट फार्मूला। देखें, अगर 20% प्रॉफिट होना चाहिए, अगर देखिए आप चाहते हैं 20%, तो आप क्या करें, सीपी को मल्टीप्लाई कर दें सीपी को 1.2 से, तो आपके पास आ जाएगा 20%। अगर 30% चाहिए तो 1.3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, अगर 40% चाहिए 1.4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो इसको आप बगैर फार्मूला याद करें, आप ये डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 1.2, 1.3, अगर 45% चाहिए तो 1.45 के साथ मल्टीप्लाई करें सीपी को, यू विल गेट द सेलिंग प्राइस जिसमें आपको 45 का बस प्रॉफिट होगा। ठीक है, अच्छा अब लोग गलती क्या करते हैं पता है आपको, लोग गलती ये करते हैं इन प्रॉब्लम्स में, लेट्स सी। अब देखें लोग सीपी कैसे निकालते हैं, मैंने जो नोट किया है उस सीपी इस तरह निकालते हैं, एक आर्टिकल सोल्ड हुआ है 178 का, उसको 11% का नुकसान हुआ है, तो लोग क्या करते हैं, 178 का 11% निकालते हैं, क्या करते हैं, 178 का 11% निकालते हैं, उसी के अंदर माइनस कर देते हैं और कहते हैं दिस इज द सीपी। दिस इज टोटली रॉन्ग। किस तरह रॉन्ग होगा, मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखें, लेट्स प्रूफ दिस थिंग कि किस तरह गलत होगा, यही प्रॉब्लम हम यहाँ पर रिपीट करके लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज उसने बेची, आप सीपी अपना जहन पे यहाँ बिठा लें, आपको पता है कि सीपी है 120, ये आपको आपको पता है सीपी। ठीक है, और आपने सेलिंग प्राइस में 20% का क्या रखा है, इसमें प्रॉफिट रखा। ठीक है, तो आपके पास सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 20% इसका होगा 24, 24 इसमें जो है 10% होता है 12, और 20% कितना होगा 24, 120 में आप 24 ऐड कर दें तो 120 प्लस 24 हो जाएगा आपका 100
144 इसी तरह होगा, ठीक है। ये आपके पास सेलिंग प्राइस है। हमारे पास जो प्रॉब्लम गिविन है वो इस तरह कुछ का है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कंसीडर किया है प्रॉफिट, आप लॉस भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉस कंसीडर करने के लिए आपको 120 में क्या करने होंगे, माइनस करना होगा, ठीक है। अगर यही प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम ये करेंगे हम, दूसरा प्रॉब्लम को मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिख लेता हूँ। देखें सीपी कितना, 120%, उसको लॉस हुआ है, उसको ये प्रॉफिट रख रहा था 20% का यहाँ पर, और यहाँ पर इसको लॉस होता है फॉर एग्जाम्पल 20% का, तो फिर सेलिंग प्राइस क्या होगी, आप इसी का जो है 20% निकाल लें, 24 माइनस कर दें 120 में 24, तो द आंसर यू विल गेट 96। अब लोग क्या करते हैं, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि एक आइटम है जो उसने सेल किया हुआ है 144 का, उसमें उसको प्रॉफिट हुआ है 20%। अब बताएं सीपी क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो लोग क्या करते हैं डायरेक्टली जो है, देखें लोग क्या करते हैं 120 का निकालते हैं 20%, ठीक है। शॉर्टकट तरीका क्या है उस पर 20% निकालने का, ये होता है, या आप डायरेक्टली, आपको पता है कि 10% जो है, 10% कितना होता है 12, और 20% कितना होगा 24, कितना हो गया 24। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया प्रॉफिट। अब लोग क्या करते हैं 120 में अपना 144 में, सॉरी देखिए 144 में ये 24 माइनस कर देते हैं, 144 माइनस 24 द आंसर विल बी 1, देखें 120, सॉरी दिस इज द कॉस्ट प्राइस दैट वी हैव टू फॉलो, हमें मालूम करना है, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी। ये इस तरह होगा, देखें ये हमारे पास क्या है एसपी, ये डेटा है, मैंने यहाँ पर लिख लिया 120 नहीं 144 आएगा, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं 144 का 20% मालूम कर देते हैं, जो कितना बनता है 28.8, ठीक है। तो 28.8, अब ये 144 में 28.8 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर 120 तो नहीं आएगा, सो दिस इज टोटली रॉन्ग। सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही होता है, तो ठीक है, तो वो सीपी 120 नहीं आता, दिस इज वाई ये प्रॉब्लम गलत होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, अगर कोई भी आपको इंक्वायरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना, सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।